हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से देहरादून में यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकला हुआ है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह की पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन शुरू हो गया है 7 दिसंबर 2018 से एंड लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2018 तक, और एग्ज़ाम डेट जो है फेबर 2019। एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा फेबर 2019। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है जनरल OBC वालों के लिए 370, SC ST PWD के लिए जो लोग फिजिकल हैंडीकैप है उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे फॉर जूनियर फायरमैन, जूनियर हेल्थ अटेंडेंट पोस्ट के लिए 18 से 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑल द अदर पोस्ट के लिए 18 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है यहाँ पे 115 दिल्ली में वैकेंसी है 14 पोस्ट एंड देहरादून के लिए 101 वैकेंसी है। ONGC दिल्ली वैकेंसी डिटेल्स के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो 14 है उसके अंदर यहाँ पे पोस्ट जो निकला हुआ है असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए इसका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम ENT इंजीनियरिंग और MSc इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विद फिजिक्स और मैथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद जो है पोस्ट जूनियर फायर सुपरवाइजर के लिए 10+2 सॉरी फ्रेंड 10+2 आपको चाहिए एप्लीकेशन। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCOM, उसके साथ 30 वर्ड पर मिनट आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट है देहरादून के लिए, इसके अंदर यहाँ पे पोस्ट निकला है असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए इंजीनियर डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक के लिए इंजीनियर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम एंड उसके बाद जो है क्लिनिकल असिस्टेंट GD डिपार्टमेंट 3 ऑप्टोमेट्री के लिए डिग्री इन ऑप्टोमेट्री एंड उसके बाद जो पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट गुड GD पैथोलॉजी के लिए डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है फार्मासिस्ट के लिए 2 ईयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड उसके बाद जो पोस्ट है क्लिनिकल असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे 2 ईयर्स डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए यहाँ पे डिग्री इन कॉमर्स BCOM एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के डिग्री इन साइंस BSc विद फिजिक्स और मैथ चाहिए। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बैचलर डिग्री इन हिंदी एंड विद इंग्लिश। जूनियर असिस्टेंट के लिए पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे क्लास 10 हाई स्कूल एंड ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर फायर सर्विस के लिए 10+2 इंटरमीडिएट विद 6 मंथ एक्सपीरियंस इन फायर सर्विस एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द हेवी व्हीकल। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए डिग्री इन साइंस BSc विद केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए जियोलॉजी, इसके लिए डिग्री इन साइंस BSc विद जियोलॉजी एंड मेन सब्जेक्ट। मेडिकल असिस्टेंट Grade 4 के लिए यहाँ पे आपको 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस।
तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे और भी जो पोस्ट है, जिस तरह की जूनियर फायरमैन, जूनियर हेल्थ अटेंडेंट, नर्स ग्रेड, मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड फोर, मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड फोर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड फोर ECG, मेडिकल असिस्टेंट ग्रेड फोर डेंटल हाइजीनिंग, तो इस तरह से बहुत सारे और भी पोस्ट है जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे देहरादून के रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे इसका लिंक जो है दे दूंगा। इसके अलावा इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था हुआ है ऑफिशियली, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन होता है आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।